हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? अमिता संदीप ब्लॉग्स में आप लोगों को स्वागत है। मैं चलिए आज आप लोग को पुराना से नए टाइप का आप लोग को डिस्टिल वाटर या तो फिर दारू बनाना सिखाता हूँ दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारा जो है, ये पुराना वाला, ये नया वाला है, और ये वो दिख रहा है सो पुराना वाला है। ये जो उठा रहे हैं ये नए वाला तरीका से है, जो कि एक तरफ से पानी निकलेगी और एक तरफ से डिस्टिल वाटर यानी कि दारू निकलेगी। ठीक है, तो ये एजुकेशन पर्पज़ से बनाया जा रहा है, आप ना प्रयोग करें इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो बस केवल नॉलेज के लिए सब चीज़ रख सकते हैं। कहीं भी आप समुंदर में हो गया या कहीं भी खो गए हैं, तो आप इस तरह करके आप डिस्टिल वाटर बना सकते हैं और अपना पानी पी सकते हैं। क्योंकि समुंदर सब में आप लोग को डिस्टिल वाटर मतलब पीने लायक पानी नहीं मिलती है, तो आप इस तरह का करके आप पानी पीने लायक बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप वीडियो पर बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि पानी निकलने के लिए उसे पाइप लगाया जा रहा है, और पाइप लगाया जा रहा है दोस्तों, ताकि पानी, गर्म पानी उधर से निकल जाए। ठीक है, और नीचे ये जो दिख रहा है आपको, इससे आपको डिस्टिल वाटर यानी पानी अब दारू निकलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पानी ऊपर से चला रहे हैं, और पानी जो है उस पाइप से आपका निकल जाएगा। जो ये डेगची यानी तसला को देख रहे हैं, ये आपका जो भाप जो बनता है उसको ठंडा करके पानी की रूप में कन्वर्ट करता है, और ये पानी के रूप में कन्वर्ट करने के बाद वो दूसरे वाला नाली के द्वारा निकल जाता है, जो कि डिस्टिल वाटर, प्योर डिस्टिल वाटर होता है। और मतलब जो मतलब महुआ या जो भी नीचे अगर डाल के डबकाया जाता है, जो सड़ा गड़ा के, उससे वो दारू का के रूप में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहें, और आप लोग को वीडियो के अंत तक आप लोगों को देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फाइनली आप देख सकते हैं, ये जो है, जो आप देख रहे तसला, ये गर्म हो रहा है और इधर से गर्म पानी निकल रहा है दोस्तों। ठीक है, गर्म पानी निकल रहा है। आप इस दूसरे साइड में आप देख सकते हैं, इधर डिस्टिल वाटर यानी दारू के रूप में निकल रहा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, सारे आँख से देख सकते हैं आप लोग, ये सारा प्रैक्टिकली किया हुआ है मेरा। तो इसको एजुकेशन पर्पज़ से लेंगे, नॉलेज के पर्पज़ से लेंगे, ताकि आप ये गलत प्रयोग ना करें। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ऐसा करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।